सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्या बाई के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि अहिल्या सबसे बोलते हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि मेरी बातों से आपको दुख हुआ होगा और ये लग रहा होगा कि मैं आंध्रा के साथ अन्याय कर रही हूँ, पर मेरा उद्देश्य किसी का मन दुखाना नहीं था। अगर गलती से भी मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं मालरा को एक और मौका दूंगी, लेकिन मालरा की एक परीक्षा ली जाएगी। अगर वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तो मैं इसे विवाह के लिए अनुमति दे दूंगी, और अप्पा साहब इस परीक्षा से आपको भी फैसला लेने में आसानी होगी। और तभी मालराव बोलता है कि हम कोई परीक्षा नहीं देंगे, और तभी मल्लाराव मालराव से बोलते हैं कि ये क्यों तुम्हारे ज्ञान कक्ष नहीं है, जा तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी और उसके अंक गिने जाएंगे, और इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें तो बस ये साबित करना है कि तुम कितने योग्य हो। अगर तुमने यह मौका गवा दिया तो मैना भाई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? उसे तो ये लगेगा ना कि मालराव परीक्षा देने से डर गया। और होलकर कभी किसी से डरते हैं क्या? तो मालराव अहिल्या से बोलता है कि बताइए हमें क्या करना है। तो अहिल्या बोलते हैं कि ये परीक्षा बहुत ही आसान है मालराव। दिन के तीसरे पैर हम सभी ग्राम देवी के मंदिर जाएंगे। उस मंदिर के 2 कोस दूरी पर एक कुआ है जिसे धर्म तीर्थ भी कहा जाता है। तुम्हें बस एक गागर में उस कुएं का पानी भरना है और उस गागर को मंदिर में ले जाकर देवी का अभिषेक करना है। लेकिन एक शर्त है मालराव, किसी भी कारणवश उस गागर में से पानी गिर जाता है या उस गागर में से पानी खत्म हो जाता है तो तुम दोबारा उस गागर में पानी नहीं भर सकते। तुम्हें सीधे मंदिर पहुँचना है, और सबसे बड़ी बात, अगर मंदिर पहुँचते पहुँचते वो गागर खाली हुई तो मालरा अन उत्तीर्ण होगा। और तभी मालरा बोलता है कि बस इतनी सी बात, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो अहिल्या बोलते हैं कि ठीक है, देखेंगे। और तभी मल्लारा सोचते हैं कि ये परीक्षा इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। तुम्हारे ऐसा है कि मन में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है मालरा, और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए अच्छा होगा मालरा। और इसके बाद दिखाया जाता है सभी लोग ग्राम देवी के मंदिर जाते हैं, और तभी मालरा कुएं से पानी लेने जाता है, और तभी एक सैनिक गागर में पानी भरता है। तो मालरा बोलता है कि सुनो, कोई भी इस गागर को हाथ नहीं लगाएगा, आप लोग यहाँ से जाइए और ये हमारा आदेश है, आप जाइए। तो सैनिक वहां से चला जाता है। और तभी मालरा सोचता है कि आई साहब हमें इतनी आसान परीक्षा देकर क्या साबित करना चाहती हैं। और इसके बाद क्या आता है, अहिल्या देवी आई से बोलती है कि आज मालराव के साथ साथ एक आई की भी परीक्षा है और मेरी ममता की भी परीक्षा है, माँ आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और तभी सभी लोग मालराव का इंतजार कर रहे होते हैं, और तभी यहाँ पर सैनिक आते हैं। तो मल्लारा उनसे पूछते हैं कि आप मालराव के साथ गए थे ना, क्या हुआ? तो सैनिक बोलते हैं कि राजकुमार ने हमें वहाँ से लौट जाने के लिए कहा, इसलिए हम वहाँ से लौट आए। और तभी यहाँ पर मालराव गागर लेकर आता है। तो अहिल्या मालराव से पूछते हैं कि गागर में पानी है? तो मालराव बोलता है कि आई हमने एक भी बूंद झलकने नहीं दी, आप देख ही लीजिए। तो जैसे ही अहिल्या उस गागर को देखती है तो वो गागर बिल्कुल खाली होता है। तो अहिल्या बोलते हैं कि ये गागर तो खाली है और इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है मालराव, और इसका मतलब मालराव अन उत्तीर्ण हुआ है। और अहिल्या मालराव से बोलती है कि इस गागर में तो पानी नहीं है मालराव, और तुम्हें याद है ना कि मैंने क्या कहा था? तो मालराव बोलता है कि जी आई साहब, इसका मतलब हम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए और आप हमारी शादी के लिए मना करेंगी, और ये हमें स्वीकार है। और तभी मल्लारा मालराव से बोलते हैं कि बेटा हमें यह बताओ कि गागर में पानी क्यों नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ एक ही गागर में पानी भरने के लिए कहा गया था और ये तो काम बहुत ही आसान है, और तुम्हारे लिए तो यह परीक्षा बहुत ही आसान थी। तो मालराव बोलता है कि दादा साहब ये परीक्षा मुश्किल तो नहीं थी, और हमने कुएं में से पानी भी निकाल लिया था। और तभी मालराव बताता है कि हम यहाँ पानी लेकर आ ही रहे थे, और तभी रास्ते में मालराव को एक आदमी मिलता है। तभी वो आदमी मालराव से बोलता है कि हमें पानी पिला दो, हमारी प्यास से जान निकले जा रही है। और तभी मालराव बोलता है कि हम तुम्हें पानी नहीं दे सकते, और धर्म तीर्थ का कुआ पास में तो है, तो जाओ और पानी पी लो। और तभी वो आदमी बोलता है कि नहीं बेटा मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे बस 2 घूंट पानी पिला दो। तो मालराव उसे पानी पिला देता है। और तभी मालराव मल्लारा से बोलता है कि इसलिए हमने आधा पानी उसे पिला दिया क्योंकि हमसे रहा नहीं गया और वो बहुत प्यासे भी थे। और तभी गांव के लोग बोलने लगते हैं कि राजकुमार जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और तभी मल्लारा मालराव से बोलते हैं कि ये तो तुमने बहुत ही नेक काम किया मालराव, पर तुमने तो कहा कि तुमने गागर का आधा पानी उसे दिया था, तो बचे हुए आधे पानी का क्या हुआ? तो मालराव बोलता है कि जब हम आधा पानी लेकर आ ही रहे थे तभी हमें रास्ते में एक और आदमी मिला, और जो बहुत रो रहा था, और उसने मुझसे कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है और पंडित जी ने कहा कि धर्म तीर्थ का पानी लेकर आओ तो ही हम पूजा करेंगे, लेकिन मेरे पैर में ठोकर लगने के कारण सारा पानी नीचे गिर गया, और पंडित जी ने कहा था कि पूजा तभी होगी जब धर्म तीर्थ का पानी एक ही समय पर निकाला हो, पर मेरा सारा पानी तो नीचे गिर गया और इसलिए मैंने अपना बचा पानी उसे दे दिया। और तभी मल्लारा बोलते हैं कि हम तुम्हारे इस आचरण से बहुत खुश हुए। और तभी हरकुए बोलते हैं कि मालरा तुमने बहुत ही नेक काम किया है लेकिन तुम परीक्षा में अन उत्तीर्ण हो गए। और तभी अहिल्या बोलते हैं कि मालरा परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। और तभी अहिल्या उन दोनों आदमियों को वहां पर बुलाती है और बोलते हैं कि धर्म तीर्थ से पानी लेकर आना मालराव की असली परीक्षा नहीं थी, असली परीक्षा यह थी कि समय आने पर मालराव अपनी जरूरी सहूलतों की आहुति दे सकता है या नहीं, किसी गरीब और जरूरतमंद प्रजा की मदद कर सकता है या नहीं, और ये जानने के लिए मैंने इन दोनों को मालराव के रास्ते में भेजा था। तो गौतमा भी बोलते हैं कि इसका मतलब यह है अहिल्या कि मालराव तुम्हारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरा है। और तभी अहिल्या मालराव से बोलते हैं कि तुम्हें रास्ते में कोई मिला था मालराव, कोई रास्ते में ऐसा था जिसने तुम्हें इनकी मदद करने के लिए कहा था? तो मल्लारा बोलते हैं कि अहिल्या परीक्षा पूरी हो गई, माना मालराव यहाँ तक पानी नहीं ला पाया,
लेकिन उसने जो किया है काबिले तारीफ है और एक जिम्मेदार इंसान होने का प्रतीक है। और तभी अप्पा साहब अहिल्या से बोलते हैं कि हमें यह रिश्ता मंजूर है छोटी रानी, बस अब आप भी अपनी सहमति दे दीजिए। और तभी गौतमा भाई अहिल्या से बोलते हैं कि सोच क्या रही हो अहिल्या, अब तुम अपनी सहमति दे दो। तो इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें और इस तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।